आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे साप स्कूल पाठ के अध्ययन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2020 के तीसरे त्रिमास में चल रहे हैं और हम इस पूरे त्रिमास में यीशु के लिए मित्र बनाना और यीशु के मिशन को बांटने का आनंद इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा पाँचवा सप्ताह है, पाँचवा सबत है और इस सबत में आज का जो जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है आत्मा सशक्त साक्षी। इससे पहले कि आज के हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम पास्टर भारती के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करें। जमीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे ज़िंदगी के मालिक, हम तेरे पास आते हैं और परमेश्वर तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू पवित्र आत्मा को हमारे हमें से हर एक के साथ होने दे कि हम तेरे वचन को समझ सकें और परमेश्वर उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हम तमाम का जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन बन सके। हम तमाम की अगुवाई कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय और उसका 31वां पद। प्रेरितों का काम उसका चौथा अध्याय और उसका 31वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने चेलों को और प्रारंभिक विश्वासियों को यह आज्ञा दी कि वे सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। हालांकि ये असंभव प्रतीत हो रहा था क्योंकि वो संख्या में कम थे, संसाधनों की कमी थी, वे पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, चुनौतियों थे उनके पास बहुत ही अजीजों, लेकिन वे इस असाधारण काम को करने के लिए तैयार थे क्योंकि उनके पास एक असाधारण परमेश्वर था जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके इस असाधारण काम को आगे बढ़ाने के लिए या पूरा करने के लिए मदद कर रहा था। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 8 वचन में, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8 पद में हम ये देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। इसी बातों को ध्यान पे रखते हुए आइए हम रविवार के पाठ में चलते हैं, जो कि यीशु और पवित्र आत्मा का वादा इस विषय पर आधारित है। पास्टर फ्रैंकली, आपसे मेरा एक प्रश्न है, मसीह के लिए अपने गवाह को सशक्त बनाने में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है? मिसेस एलिस, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो समय आ गया कि यीशु मसीह को जो है वो स्वर्ग जाना था और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको ये बताते हैं कि अब इस पृथ्वी पर मेरा समय जो है वो पूरा हो गया है और अब मैं कुछ ही समय के बाद जो है वो स्वर्ग चला जाऊँगा। और हम देखते हैं कि जैसे शिष्यों ने ये बात सुनी, वो जो है बड़े परेशान और बड़े चिंतित हो गए। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 33.5 साल तक जो है यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ थे, 3.5 साल का जो कार्यकाल था वो उनके साथ रहे, उठे बैठे चले फिरे, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है यीशु मसीह ने उनके साथ व्यतीत किया। और हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ तो उदास होना जो है वो लाजमी था, पर हम इसके साथ ही साथ देखते हैं कि तुरंत जो है यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें निसहाय जो है वो नहीं छोड़ूंगा, तुमको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा स्वर्ग जाना जो है वो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं स्वर्ग जाऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक सहायक, एक मददगार जो है, एक हेल्पर जो है मैं भेजूँगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम आज संडे के रविवार के सब स्कूल पाठ में आगे जाएं तो यहाँ पर जो है एक ग्रीक शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है जिसका जो नाम है वो पेराक्लेटोस। पेराक्लेटोस जो है एक ग्रीक शब्द है और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका अगर हम हिंदी में उसको अगर अर्थ निकालेंगे तो उसका मतलब होता है मददगार या सहायता करने वाला। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो शब्द है एक साधारण शब्द नहीं है, ये मददगार शब्द, सहायता करने वाला शब्द जो है हमारे साथ बहुत दूर तक जो है वो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो पवित्र आत्मा की बात यीशु मसीह कर रहा है अपने चेलों से, वो कहता है कि ये पवित्र, जब मैं चला जाऊँगा मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूँगा तो वो निरंतर क्या करेगी, तुम्हारे साथ जो है वो रहेगी। और हम इसके लिए जो है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद में जो है हम पढ़ते हैं, जो कि आपने पढ़कर हमें बता दिया, फिर भी मैं आपके सामने जो है पढ़ना चाहूँगा।
प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका आठवां पद, और लिखता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चला गया, उसने जो है अपनी पवित्र आत्मा जो है हमारे बीच में भेजी, और वो क्या करती है, हमारे लिए एक मददगार, एक सहायता का जो है वो काम करती है। और इसलिए जो है यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें डरने की, घबराने की और परेशान होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, बहुत अच्छे विचार थे आपके। पास्टर भारती, कुछ इसमें थोड़ा आप प्रकाश डालना चाहेंगे? पास्टर फ्रैंकलिन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदामंद यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जी, उस सहायक को, उस वादे को खुदामंद यीशु मसीह ने पूरा किया। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा प्रेरितों के काम एक अध्याय और उसकी आठवीं आयत कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे और उसके गवाह होने के लिए वो तैयार थे जी। आइए हम सोमवार के पाठ में जाएंगे, और सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं पास्टर भारती आपके पास आती हूँ और आप प्रश्न पूछती हूँ। आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि नए नियम की जो प्रारंभिक कलीसिया का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ, लेकिन आज की कलीसिया का विकास धीमा क्यों है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और खास करके प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम थे उनसे संबंधित ये किताब है, प्रेरितों ने जो भी काम किए वो इस किताब में लिखे गए हैं, इसमें हम पाते हैं प्रारंभिक कलीसिया थी वो बहुत तेजी के साथ जो है उसका विकास हुआ। इसके कुछ कारण हैं मिसेज फ्रांसिस, अभी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी कि प्रारंभिक कलीसिया बहुत तेजी के साथ उसका विकास क्यों हुआ। ये मैं सबसे पहले प्रेरितों की किताब उसका दो अध्याय उसकी 33 आयत से 43 वर्स और 45-46 में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो ये प्रारंभिक कलीसिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक कलीसिया किस तरह से उसका जो है शुरुआत हुई। अगर हम शुरुआत के बारे में देखें तो जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के जब वो जैतून पहाड़ पर गए और वहाँ से वो उनके देखते देखते उठा लिए गए और उसके बाद जो है उनको वादा दिया गया कि तुम यहाँ क्यों इंतज़ार कर रहे हो, तुम जाओ और प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश जो है वो लोगों को दो। वो वहाँ से वापस आते हैं और वो शायद कुछ निराश थे और जो वहाँ के आसपास के लोग थे, जो पक्की फरीसी लोग थे, वो भी ये सोचते थे कि अब मसीह का काम जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो यीशु मसीह के कहने के मुताबिक यरूशलेम में आकर के इकट्ठे बैठ गए और इकट्ठे बैठ करके वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और एक दूसरे के साथ जो है वो लगे रहे और उनको वादे के मुताबिक खुदा ने पवित्र आत्मा उनको दी। और जब उनको पवित्र आत्मा मिल गई तो वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के वो अपने अपने घरों से निकले और खुदा का कलाम जो है वो लोगों को देने लगे। तो ये प्रारंभिक कलीसिया जो थी वो सीखने वाली कलीसिया थी, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाली कलीसिया थी, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखने वाली कलीसिया थी और एक दूसरे के साथ अपना तन मन धन जो है वो बांटने वाली कलीसिया थी और खुश कलीसिया थी। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यह कलीसिया थी और इसलिए इसका विकास बहुत तेजी के साथ होता रहा। ये लोग यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन आज जो है हम लोग जो हैं यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के बारे में जानना ये दो अलग अलग बातें हैं, और इसलिए ये लोग यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन आज हम भी परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके साथ रह सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ
यहाँ अंतर जो है हम पाते हैं, जिस वजह से ये आज की कलीसिया जो है वो इतनी तरक्की नहीं कर रही है जितनी की प्रारंभिक कलीसिया ने किया, और वो कमियाँ जो प्रारंभिक कलीसिया में जो अच्छाइयाँ थीं वो उनमें हम कमियाँ जो है आज अपनी कलीसियाओं में देखते हैं, जिसकी वजह से आज वो तरक्की इतनी नहीं हो पा रही है। और उस कलीसिया का मुख्य फोकस था परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, लेकिन आज हमारे चर्चों में कई चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं जिनके ऊपर अलग अलग फोकस जो है वो हो गया है। और इसीलिए आज हमें जो है समर्पित होने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब भरपूरी के साथ हमें मिलेगी तब कलीसिया का विकास जो है वो आगे बढ़ेगा। देखते पास्टर भारती, बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा वो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, और जैसा आपने बताया कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और जब हम पवित्र आत्मा मांगेंगे ज़रूर जो है हमें पवित्र आत्मा जो है वो दी जाएगी। थैंक यू पास्टर भारती, बहुत ही अच्छे विचार थे। और सचमुच आज हमें प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। हम तो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए हम मंगलवार के पाठ में चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए आपसे मेरा एक सवाल है, जो कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपने विचारों को शेयर करें। पवित्र आत्मा हमें साक्षी या गवाही देने में कैसे मदद करता है या कैसे सहायता करता है हमारी? अभी हमने पवित्र आत्मा के बारे में देखा था कि पवित्र यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि एक सहायक, एक पवित्र आत्मा जो है वो हमें देने का उन्होंने वादा किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम अगर प्रेरितों के समय में हम जाएं तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा जो है बड़े बड़े जो है वो काम किए गए, और हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने स्वयं जो है वो लोगों से बातचीत करी है, लोगों के मनों को जो है वो बदला है, और एक बहुत बड़ी बेदारी जो है हम क्या करते हैं इसमें जो है हम देख सकते हैं, और देखते हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं जो है ऐसे ऐसे लोगों के बदले में एक बड़ा बदलाव या बड़ा परिवर्तन लाए जिसकी कि शायद हम जो है वो कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम पहली सदी में जाएं तो यहां पर भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो काम किए। चंद उदाहरण जो है मैं मिसेस एलिस आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर हम प्रेरितों के काम उसके सातवें अध्याय के 55वें पद में जाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्तुफनुस का उदाहरण है, और जबकि स्तुफनुस को जो है बड़ी जो निर्दयी भीड़ है जो कि बिल्कुल भी नियंत्रण में जो है वो नहीं हो रही थी, और जब वो उसको पथरवा जो है वो करने के लिए बड़ी आतुर थी, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा यहाँ पर इंटरवीन करती है, परमेश्वर की आत्मा क्या करती है वहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति का महसूस कराती है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अगर प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसको 29वें पद में, यहाँ पर फिलिप्पुस जो है हमने पहले इसके बारे में सीखा है, पवित्र आत्मा फिलिप्पुस से कहती है कि जो खोजा है, जो खजांचे है वो अपने रथ में बैठकर जा रहा है, और तू क्या कर, जा और उसके रथ के साथ जो है वो हो ले। और हम यहां पर देखते हैं कि फिलिप जो है वो वैसे ही करता है, और आगे जाके जो है ये जो खोजे का मन जो है वो परिवर्तन हो जाता है, और उसके द्वारा पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जो है परमेश्वर के सुसमाचार का काम जो है वो लोगों तक पहुंचता है। किसने काम किया? पवित्र आत्मा ने जो है वो काम किया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम पौलुस के बारे में बात करें, और पौलुस ने भी क्या किया है, पूरे यूरोप महाद्वीप में जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो है प्रेरित होकर उसने क्या किया, सुसमाचार का जो है वो प्रचार किया। उसके बाद हम पत्रस का जो है उदाहरण देखते हैं, पत्रस ने भी जो है अन्य जातियों में क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का जो वो गवाही दी या उसका जो है वो प्रचार किया। कहने का तात्पर्य यहां पर मिसेस एलिस ये है कि पवित्र आत्मा हमारे मनों को बदल देता है, हमारे मनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ी बेदारी वो लेके आ जाता है। और यहां पर जो चंद उदाहरण हमने यहां पर देखे हैं कितनी बड़ा बदलाव पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो हमने महसूस किया। अगर हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा जबकि नए नियम की कलीसियाओं के साथ था, वही पवित्र आत्मा आज हमारे और आपकी कलीसियाओं के साथ, हमारे साथ भी क्या है, वैसे ही जो है वो सक्रिय है। हम ये भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सशक्त बनाता है, हमें सीखने में, सुधरने में, अपने आप को बेहतर करने में क्या करता है, वो मदद करता है। और पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या करता है, दूसरों तक अपनी गवाही पहुंचाने के लिए कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में क्या काम किया है। जब हम लोगों को जो है बताते हैं तो लोगों के मनों में
वो बदलाव, वो परिवर्तन वो आ जाता है, और इसके द्वारा हम देखते हैं कि लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो आ जाते हैं। मिसेस एलिस, मैं फ्रैंकलिन साहब यहाँ पर ये जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा तभी हमारे जीवन में काम करती है जब हम उसे अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। बिल्कुल सही। बिना हमारी मर्जी के पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। जी, थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसा बात होता है तो हमें अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें दूसरों को बताना चाहिए ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जान सकें। आइए हम बुधवार के पाठ में चलेंगे। पास्टर भारती, बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए आप हमें बताइए कि पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन को बदलने की, पवित्र आत्मा किस माध्यम के द्वारा हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है? जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा, आज जैसे हम पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि इस दुनिया में काम कर रही है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के काम करने का एक तरीका है, और यहाँ पर जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपने जो है यहाँ पर पूछा है उसके लिए, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 12 में इसलिए इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। तो ये तरीका है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के, आत्मा का काम करने का तरीका, कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करती है। और यहाँ जो है हम देखते हैं कि ये वचन जो हमने यहाँ पर पढ़ा, लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें मिला। परमेश्वर का वचन बाइबिल जो है हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही हम तक पहुंची है, और ये वचन जो है वो ताकतवर है, ये हमारे जीवन को जांचने की शक्ति रखता है, हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है हम देखते हैं कि इस, जब हम आज प्रारंभिक कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं, तो आप देखिए कि पतरस जब प्रचार करने के लिए खड़ा होता है तो वो परमेश्वर के वचन को कोट करता है जी। और खास करके वो पुराने नियम को जो है वो लोगों के सामने जो है वो बताता है, और यहाँ जो हम देखते हैं वो कहता है कि जो मसीह है आज वही मसीहा है, जो मसीह है वही मसीहा है। और इसी तरह से पॉल यहाँ जो हम पाते हैं, जो आपने बताया पास साहब स्टीफन के बारे में, कि स्टीफन भी जब लोगों के सामने प्रचार कर रहा है तो वो भी इसराइली इतिहास को लोगों के सामने बताता है। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहा है। और हम देखते हैं जो आपने बताया फिलिपुस के बारे में, कि फिलिपुस जो है वो उस व्यक्ति के पास जा गया जो परमेश्वर के वचन को और खास करके पुराने नियम की यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय वो पढ़ रहा था। तो ये तरीका है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के काम करने का तरीका, कि वो जो है लोगों को प्रेरित करता है जो उसके वचन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या जानने की जो है वो इच्छा रखते हैं। तो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा वो लोगों के जीवन में काम करती है। और यहाँ जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन को, जिसमें खराबियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको निकालने की ताकत रखता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरित आत्मा की वजह से, पवित्र आत्मा के काम की वजह से वो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और हम देखते हैं कि कितने लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसके वचन को ग्रहण करा, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को बदल दिया और वो बदल करके वो अपने घरों से निकल गए और परमेश्वर के वचन का प्रचार जो है उन्होंने गांव देहात और शहरों में जो जा करके करना शुरू कर दिया। ये तरीका है परमेश्वर की आत्मा का कि वचन के द्वारा हमारे और परमेश्वर के लोगों के बीच में पवित्र आत्मा जो है वो काम करती है।
पास्टर भारती, बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ बांटी। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, जैसे आपने कहा कि निरंतर वो हमारे और आपके साथ रहता है, हमें और आपको जो है जब पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है उसकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए, और जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो वो हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों के जीवनों में भी एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो ला सकता है। थैंक यू पास्टर भारती अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच हमें निरंतर क्या करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक इनाम है और हमें बाइबल पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। आइए हम अपने गुरुवार के पाठ में चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, गुरुवार के पाठ को ध्यान पर रखते हुए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है तो उसकी सहायता से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव, क्या क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं। हम निरंतर जो है वो पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो कैसे बदलाव, कैसे परिवर्तन जो है हम दूसरे जो हमारे जीवन में जो है वो देख सकते हैं। अगर हम प्रेरितों के समय में हम जाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने जो है बहुत ही शक्तिशाली तौर पर जो है वो काम किया है। वो लोगों से बातचीत करती है, लोगों के हृदय को, मनों को जो है वो परिवर्तन करती है। और हम यहाँ पर देखेंगे चंद उदाहरण जो है मेरे पास हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 11 से लेकर 15 आयत तक, हम देखते हैं यहाँ पर लिदिया जो है एक स्त्री है जो कि वो बैजनी वस्त्र बेचने का व्यापार करती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के वचन को जो है वो सुनती है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कायल होती है, उसका मन बदल जाता है और अपने पूरे परिवार के साथ वो क्या करती है, बपतिस्मा ले लेती है। अगर फिर हम प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 23 और 24 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब पौलुस जो है अपने मित्र तिमोथियुस के साथ जब वो जेल खाने में होता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा जेल खाने के दरवाजे खुल जाते हैं और ये दोनों जो है जब वो बाहर निकलते हैं, दरोगा बहुत डर जाता है, घबरा जाता है और फिर जो है वो उनसे निवेदन करता है कि प्रार्थना करता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर दरोगा समझ जाता है कि ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है और दरोगा जो है अपने पूरे परिवार के साथ क्या करता है, वो बपतिस्मा ले लेता है। यहाँ पर भी देखिए पवित्र आत्मा कैसे काम कर रही है। उसके बाद प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 8वें पद में हम यहां पर देखते हैं सरदार हैं क्रिस्पुस, वो भी क्या करता है, अपने परिवार के साथ जो है वो बपतिस्मा जो है वो ले लेता है। अभी आपने पूछा था कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में कौन कौन से जो है वो बदलाव आते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। पवित्र आत्मा हमारे आपके जीवन में जो है बड़े शक्तिशाली तौर पर जो है वो काम करता है। जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है हमारी बातचीत में, हमारे स्वभाव में, हमारे रहन सहन में, हमारे तमाम जो बाहरी रूप रेखा है उसमें हम क्या देखते हैं, एक परिवर्तन आ जाता है। और जो अंदरूनी हमारे अंदर में बदलाव है वही बाहरी क्या होता है वो दिखाई जो है वो देता है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए जो है एक मार्गदर्शक का भी काम करता है, हमको सिखाने में, हमें समझाने में क्या करता है, वो हमारी मदद करता है। हम जो है कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, हमेशा जो है वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ तो जो है वो रहता है। जब कभी भी हम कोई काम करते हैं, अक्सर हमने इस बात को अनुभव किया है कि दो आवाज़ें जो है वो हमारे कानों में गूंजती है। एक तो जो है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है जो कि हमें हमेशा एक अच्छे काम करने के लिए आतुर करती है, और दूसरा जो है वो शैतानिक आत्मा है जो निरंतर हमें और आपको क्या करती, गलत काम की तरफ जो है वो अग्रसर जो है वो कराती है। तो कई बार क्या होता है कि हम जो है पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं और शैतान की आत्मा को जो है हम सुन लेते हैं और वो गलत काम कर जाते हैं जो कि शायद हमें नहीं करना चाहिए। देखिए बार बार जो है पवित्र आत्मा मुझे और आपको आकर ये कहता है, समझाता है कि बेटा बेटी जो है ये काम गलत है ये, और ये तुमको जो है वो नहीं करना चाहिए, पर इसके बावजूद भी जो है हम गलत काम करने में जो है वो निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आपको याद होगा कि एक समय ऐसा आ जाता है जब हम बार बार पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, दुखी करते हैं, उदास करते हैं, तो पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या कर देता है, वो छोड़कर चला जाता है और फिर वो वापस कभी भी नहीं आता, और फिर जो है उस व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो व्यक्ति वैसे के वैसे जो है वो रह जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, पवित्र आत्मा हम सभी के साथ है, मुझे और आपको जो है पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है,
सवाल ये उठता है कि क्या मैं पवित्र आत्मा को सचमुच में वो अधिकार देता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, मेरे जीवन में परिवर्तन आए और मेरे द्वारा जो है बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वो परिवर्तन आए। हम और आप जो है एक बहुत बड़ी गवाही या साक्षी जो है अपने जीवनों के द्वारा दे सकते हैं, और ये बदलाव परिवर्तन कैसे आएगा वो पवित्र आत्मा की मदद से ही आ सकता है। मैसेज परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वो हम में से हर एक के जीवन को बचाना चाहती है जी। और यही परमेश्वर की योजना है, और इसीलिए खुदा ने अपनी पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति उसकी आवाज़ को जो है वो सुन सके। और जब हम उसकी आवाज़ सुनेंगे तो हम परमेश्वर की तरफ जो है अपने कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन अच्छे विचारों के लिए। और सही में और सचमुच हमें पवित्र आत्मा की जो आवाज़ है उसे सुनने की ज़रूरत है। आइए हम अब फ्राइडे के पार्ट में चलेंगे। फ्राइडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आज की कलीसिया को बढ़ाने के लिए हम किस तरह पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करें, ये जो अभी पास्टर फ्रैंकलिन बता रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज इस दुनिया में काम कर रही है और वो भरपूरी के साथ काम कर रही है। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा दुनिया के शुरू से काम कर रही थी, लेकिन प्रारंभिक कलीसिया के टाइम से वो भरपूरी के साथ इस दुनिया में परमेश्वर के लोगों के बीच में, हमारे बीच में वो भरपूरी के साथ जो है वो काम कर रही है। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ किस तरह से सहयोग करें जिससे कि उसका काम जो है वो आगे बढ़ सके। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज़ को जी, वो तेज नहीं है उसकी आवाज़, वो धीमी आवाज़ हमारे कान में, हमारे मन में जो उसकी धीमी आवाज़ आती है, और उस धीमी आवाज़ को हमें सुनना है और सुन करके हमें अपने दिल के दरवाजे को खोलना है। हमें अपने दिल के दरवाजे को खोलना है, तभी परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में जो है आएगी, और उसको हमें निमंत्रण देना है, उसको हमें दावत देनी है और परमेश्वर के गवाह बनकर के यीशु के उद्धार की योजना को लोगों के बीच में हमें लेकर के जाना है। हम जो हैं लोगों को हमें बाइबल सिखानी है, लोगों के लिए हमें पर्चे बांटने हैं और लोगों के लिए हमें जो है उनके लिए प्रार्थना करनी है। और यहाँ लिखा है कि इस तरह से करके हम लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं और उसके साथ सहयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं एक आयत पढ़ूंगा, ये यशायाह की किताब उसके 52वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखी है। बहुत ही खूबसूरत आयत है। यहाँ पर लिखा है कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तो ये परमेश्वर के गवाह लोगों के लिए कहा गया है कि क्या ही शुभ संदेश, क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो परमेश्वर के शुभ संदेश को एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर और यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी लेकर के जाते हैं, जो कल्याण का शुभ संदेश देते हैं, जो अच्छाई का संदेश देते हैं, जो शांति का संदेश देते हैं। और वो कहता है कि जो लोगों के बीच में अच्छा संदेश लेकर के जाते हैं, परमेश्वर उनको कहता है कि तुम्हारा जीवन जो है, तुम्हारे पैर वो दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को उसके हाथों में दे करके हम परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं, उसके हम एक इस दुनिया में उसके सहायक बन सकते हैं और उसके वचन को एक जगह से दूसरी जगह परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से हम लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात पास्टर भारती आपने अभी कही है। हम देखते हैं कि इस अंत के दिनों में हम सबों को जो है वो पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है, और पवित्र आत्मा हमेशा जो है वो तैयार है हमारे और आपके जीवन में आने के लिए, पर हमें उनको जो है वो आमंत्रित करने की जो है वो ज़रूरत है। थैंक यू पास्टर भारती अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन के द्वारा लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अजीजो, आज के साबर स्कूल के पाठ में हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। जो पवित्र आत्मा हमें जो असीम शांति देगा अजीजो, वो दुनिया के कोई भी इंसान नहीं दे पाएगा। आइए हम सब
पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। खुदा बाप हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को समाप्त करने के लिए पास्टर फ्रैंकलिन से रिक्वेस्ट करूंगी, दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे दुआ में अगुवाई। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। प्रभु हम जितनों ने आज के सब स्कूल पाठ को सुना है, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी मदद करें कि हम सचमुच में आपके पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में आमंत्रित करें। कोई काम ऐसा ना करें प्रभु जिसके द्वारा पवित्र आत्मा को दुख पहुँचे, और चाहते प्रभु के पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, हमारे जीवनों में एक बहुत बड़ी बेदारी और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आए कि जब लोग हमें देखें प्रभु वो आपके नज़दीकी में लाए जा सकें। पुनः प्रभु आज के इस पाक पवित्र सबत में हम सब के सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम सब के पाप और गुनाहों को प्रभु आप माफ़ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 थैंक यू।